हाय, आज हम डिस्टिलेशन का थर्ड पार्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिस्टिलेशन, ये जानिए कि सबसे पहले डिस्टिलेशन जो हम लोग करेंगे डिप्लोमा के सिलेबस में, वो करेंगे हम बाइनरी सिस्टम का। ऐसे लिक्विड मिक्सचर को अलग करेंगे जिसमें केवल दो कंपोनेंट हों। तो इनका क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम दो प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक प्रोसेस के बेस पे, जो कि बैच वाइज या कंटिन्यूस वाइज होगा, और दूसरा होगा बेसिस रिफ्लक्स के, या तो हम रिफ्लक्स करें या रिफ्लक्स ना करें। तो ये हो गया, दोनों था क्लासिफिकेशन। अब डिस्टिलेशन मेनली तीन प्रकार का होता है। एक होता डिफरेंशियल, जिसको सिंपल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। एक होता फ्लैश, जिसको इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। और तीसरा होता स्टीम डिस्टिलेशन। तीनों को प्रोसेस जानते हैं क्या होता है। डिफरेंशियल में क्या होता है, सिंपल कोई बॉटल लिए या कोई भी फ्लास्क लिए, उसमें हम लिक्विड मिक्सचर को डाल दिए एक बार, जिसको अलग करना, और नीचे से हीट दिए। हीट देंगे तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो वेपर बनेगा, जिसको हम यहाँ से कूलिंग प्रोविजन के द्वारा कूल करके कंडेंस कर लेते हैं और एक किसी फ्लास्क में इकट्ठा कर लेंगे। जब यहाँ पूरा मोर वोलेटाइल इसमें आ जाएगा तो हम रेसिड्यू यहाँ से निकाल लेंगे। इसको जो बॉटम प्रोडक्ट होगा ये टॉप प्रोडक्ट बोला जाता है, इस डिस्टिलेट भी बोला जाता है। इसको वहीं पे करते हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वहीं पे करते हैं जहाँ पे दोनों मिक्सर के बॉइलिंग सॉरी जहाँ पर मिक्सर के जो दोनों कंपोनेंट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, या दूसरा कह सकते हैं जिसमें हमको अलग करना है उसकी प्योरिटी को। अगर ज़्यादा हमको नहीं ध्यान देना, प्योरिटी हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। दूसरा होता है फ्लैश और इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन। फ्लैश डिस्टिलेशन भी कंटिन्यूस मैनर में किया जाता है। ये जो पहला था ये बैच वाइज किया जाता है, कंटिन्यूस मैनर में इसको किया जाता है फ्लैश को, और रिफ्लक्स के साथ होता है। इसमें क्या होता है, फ्लैश उसको बोलते हैं फ्लैश होना, जैसे हम एक डिस्टिलेशन कॉलम बनाते हैं इस तरह से, फीड करते हैं जब इसमें, तो हम इसको पहले ही हीट कर लेते हैं, पहले ही हीट एक्सचेंजर के द्वारा हम हीट कर लेते हैं इसको, लिक्विड मिक्सर को जिनको अलग करना है। जब ये पहले से हीट हो जाएंगे तो इनका पहले कुछ मात्रा में लिक्विड क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, और इसका प्रेशर भी रिड्यूस कर देते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा देते हैं। प्रेशर रिड्यूस करने पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, प्रेशर के साथ वेरी करता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जब भी पहले प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेपर बन जाएगा, तो वेपर क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, और लिक्विड क्या होगा, नीचे आएगा इधर से, वेपर ऊपर जाएगा, तो वेपर ऊपर जाएगा तो कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंस करेंगे, कुछ मात्रा में हमको प्योरिटी के लिए इसमें रिफ्लक्स डालना पड़ता है, कुछ हम डिस्टिलेट निकाल देते हैं, और बाकी इधर से हम बॉटम प्रोडक्ट निकालते हैं, और कुछ मात्रा में बॉटम प्रोडक्ट निकालते हैं, और बाकी को हम फिर से रिबॉलर के थ्रू हीट करके इसमें डाल देते हैं कॉलम में। तो ये होता है फ्लैश इक्विलिब्री या इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन। इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि यहाँ जितने भी प्लेट होते हैं, अब जैसे वेपर इधर से जाएगा, लिक्विड रिफ्लक्स इधर से आ रहा है, इधर से भी आ ही रहा है कंटिन्यूस है, तो इधर से वेपर इधर से लिक्विड आते हैं, तो दोनों को हर प्लेट पे कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो मास का ट्रांसफ़र होता है। इस वेपर में जो लेस वोलेटाइल होंगे वो लिक्विड के साथ मिलकर कंडेंस होकर नीचे चले आएंगे, और जो इसमें मोर वोलेटाइल होंगे कंडेंस होने के बाद वो वेपर के साथ ऊपर चले जाते हैं। तो इसमें दोनों में वेपर का लिक्विड में और लिक्विड का वेपर में दोनों में मास ट्रांसफ़र होता है। तो जब मास ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाता है, यानी कि इसमें इसका पूरा का पूरा इस वेपर का पूरा लेस वोलेटाइल लिक्विड में, और इसका इस लिक्विड का पूरा मोर वोलेटाइल वेपर में हो जाता है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, मास ट्रांसफ़र रुक जाता है, रुकता नहीं है, चलता रहता है बराबर में, लेकिन ऐसा लगता है रुक जाता है, डायनेमिक कंडीशन होता है। तो ये है पूरा प्रोसेस। इसमें क्या था,
मेन कि इक्विलिब्रियम हर प्लेट पे स्थापित होता है। अब फ्लैश इसलिए बोलते हैं, पहले से जब हीट कर देते हैं तो यहाँ से वेपराइज हो जाता है, पहले से वेपराइज हो जाता है कुछ मात्रा में, जिसको हम फ्लैश हो जाना बोलते हैं। तीसरा होता है स्टीम डिस्टिलेशन, इसको वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पर ये हमको नॉन वोलेटाइल से हाई वोलेटाइल को अलग करना होता है, जहाँ पे एक कंपोनेंट होता है नॉन वोलेटाइल और दूसरा होता है लो वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल एक लो वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल तो बुलेट वेपराइज होगा ही नहीं, लेकिन जो लो वोलेटाइल है उसको वेपराइज करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा हीट देना पड़े। तो हम करते क्या है, इसमें जो कॉलम होता है इसमें अलग से एक स्टीम डाल देते हैं, है ना, स्टीम डाल देते हैं। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है, इसका जो मान लेते हैं इसका कुछ प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर पी टी होगा दोनों के, मान लेते हैं दो कंपोनेंट इधर से डालें ए और बी, मिक्स हैं दोनों को अलग करना है, एक इसमें नॉन वोलेटाइल है एक लेस वोलेटाइल है, टोटल प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा कॉलम का। अब ये होगा पी ए प्लस पी बी के बराबर, जब स्टीम डालते हैं तो इसमें स्टीम का भी जुड़ जाता है प्रेशर। अब टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, ये अलग से पहले इतना था, अब जब ए आ गया तो इसकी कुछ मात्रा घट जाएगी क्योंकि ये अलग से जुड़ रहा है और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहने के लिए इन दोनों की मात्रा घटानी पड़ेगी, जितनी ये घटेगी उतना इसका पार्शियल प्रेशर होगा। अब इसका इन सब का जब पार्शियल प्रेशर घटेगा या प्रेशर घटेगा, तो हम जानते हैं कि जब प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है प्रेशर के साथ, यहाँ बताएं तो बॉइलिंग पॉइंट जब घट जाएगा तो एक कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे दोनों में से कोई, ये ज़्यादा वेपराइज होगा, जब वेपर बनेगा तो बाकी सेम प्रोसेस यही लग जाएगा, कंडेंस करेंगे प्योरिटी के हिसाब से, हम रिफ्लक्स डालेंगे और डिस्टिलेट निकालेंगे, सेम इसी तरह बॉटम प्रोडक्ट आएगा और इसमें रिबॉयलर लगाएंगे और यहाँ से जो वेपर आएगा इधर डालेंगे, फिर इक्विलिब्रियम जो भी यहाँ पे होना होगा होगा, और प्रोसेस तो बताए हैं क्या होगा, इसमें सेम वही होगा। और इसमें एक चीज़ और होता है, यहाँ पे वही दो कंपोनेंट लेते हैं जिनको हाई टेम्परेचर पे हम, मतलब हाई टेम्परेचर पे हम डीलिंग नहीं कर सकते उनके साथ, या हीट सेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं, हाई टेम्परेचर पे जो टूट जाते हैं या उनका कुछ ऐसा उसमें चेंजिंग हो जाए जिसको हम यूज न कर सकें, जिसको हमको ज़रूरत ना हो या ख़राब हो जाए, इस तरह से यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन सिंपली प्रेशर को घटाता है, पार्शियल प्रेशर को, जिससे उनके बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ जाती है और कम टेम्परेचर पे ही वेपराइज हो जाते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस है सिंपल। अब कुछ आगे देखते हैं, एक चीज़ और, ये जो डिफरेंशियल था और फ्लैश, इन दोनों में मटेरियल बैलेंस जब करेंगे तो दो फार्मूले बनेंगे, हम दोनों फार्मूले लिख दे रहे हैं, प्रूफ आसान है कर लेंगे।